आप देख रहे हैं सत्य आज तक हमेशा सच। मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। बहुत अच्छे नियोजन हमें सेंट्रल से ही मिला है, हमारे जैसे सेंट्रल का ऑफिस है बीजेपी का, और गए 10 दिन से 15 दिन से समझो हम लोग पूरा नियोजन है और मिनट टू मिनट का नियोजन। तो यहाँ पे जो भी सिटी में आने वाले उसका पूरी मालूम हम जितने भी इस पर जुड़े मंत्री महोदय हो जितने कार्यक्रम सबको पता है मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है। इसलिए हमारे मुरबाट से निकले गए अमरनाथ ऐसे उल्लाद करते करते 4 बजे हमारे भिवंडी में वो आगमन होने वाले। 4 बजे वहाँ पे जो साई बाबा का मंदिर हमारे वहाँ का दर्शन ले गए, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने का जल्लोस होगा सिटी के अंदर आने से, और ऐसे 35 जगह उनका सत्कार होगा, 35 जगह जो आपको सब हमने इसमें दिया है प्रेस नोट में, और हर जगह अलग अलग तरीके से उनका सत्कार होगा। और ये सत्कार किसका कौन करेगा, आशीर्वाद का मतलब क्या, जन आशीर्वाद मतलब खासदार साहब खुद मोदी जी बोलेगा महामंत्री बनने के बाद अपने अपने 4 लोकसभा सबको दिए हर मंत्री को, हमारे मंत्री भी 4 लोकसभा घूमते हमारे उनके लोकसभा आएंगे। तो जहाँ भी जाएंगे जो जो मोदी जी ने इतना काम किया है, मोदी जी का जो जो स्कीम है, लोग जो फ़ायदा लेके बैठे, जैसे भिवंडी में यहाँ पे बहुत से बचतगढ़ हो, राशन के बारे में हो, प्रधानमंत्री जो कार्ड है आयुष्मान भारत कार्ड है, ऐसे अनेक अनगिनत 5-6 साल में लोग ने फ़ायदा लिया है। जैसे इधर मेट्रो हो, सीसी रोड हो, ड्रेनेज का विषय हो, ऐसे बहुत से विषय को जो किए उसको जनता हर जगह स्पॉट में अलग अलग तरीके से जश्न बनाए गए कि आपने हमें करके दिया है, और हमारे मंत्री जी को मोदी जी के मार्फत आशीर्वाद दे गए, मोदी जी का धन्यवाद करके गया। 70 साल के बाद पहली बार भारत के इतिहास में और खास करके महाराष्ट्र के इतिहास में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में भिवंडी में हमारे मोदी जी ने वो कर दिखाया, और वो भी हमारे इसका जो सम्मान मान सम्मान हमारे भिवंडी लोकसभा को दिए। ठाणे में 2-4 लोकसभा है जिसका हमारे कबीर पाटिल साहब का नाम आता है, जब भी इतिहास लिखेगा मोदी जी का कबीर पाटिल साहब का नाम लिखा जाएगा। तो इसलिए और भी जश्न का माहौल है हर जगह। आज गए 4-5 दिन से हमारे जो श्याम जी है जो इसके प्रमुख है, हमारे जो सुमित पाटिल, हमारे असल पाटिल, हमारे प्रसिद्ध जी विशाल पाटर है, हर लोग अपने अपने तरीके से कैसे कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम को जो नियोजित कार्यक्रम जो पार्टी से एक हमें फॉर्म भरा गया उस फॉर्म में बहुत से नियम कायदे बनाए गए, उस नियम को पकड़ते हुए हमें सब कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ अभी आपको बता राजू जी ने क्या कम से कम सभा हमारे शिवाई चौक, होराल देवी चौक, अंजू फाटा और बहुत से जगह लोग स्टेज लगा है, वहाँ पे उनका सम्मान और सत्कार होगा। खर्चा कौन उठा रहे सभी पार्टी मेंबर लोग जिधर से है, जहाँ तक तो मैं समझता हूँ जो जो स्थानीय लोग हैं, जैसे भाई अर्शद पाटिल साहब ने मीटिंग लिया था मंडल में तो वहाँ पे ही सब मिलके नियोजन कर रहे हैं। बहुत से जिनको इनको फ़ायदा मिला है वो खुद ही लोग कोई बैनर बना रहे, कोई फ्लैग्स बना रहे, तो ऐसे सभी आनंद का उत्सव, जैसे दिवाली में अपने अपने घर में लोग त्यौहार मनाते ऐसे त्यौहार जैसा माहौल है। देखो आपका सवाल ऐसा है कि इतना दिन जब रास्ता बना सीमेंट रोड, जब पूछे नहीं कभी पार्टी का वैसे बना, हाँ जब भी तो कोई तो तारीफ नहीं की ना, तो ये तो इतनी बारिश गिरी आपका कोकन बह गया, रास्ते का रास्ता बह गया है, और ये जो रास्ता फूटा है इतके बारिश की वजह से, शायद तुम्हारा भी घर भर गया होगा, हमारे घर में भी छत में पानी भर गया। तो ये जो सवाल जो आपका है ये उस टाइम पूछते हमको अच्छा लगता है, लेकिन आपने अच्छा पूछा, ये जो भी रास्ता जो बारिश को जो बहुत भयंकर बारिश थी और बारिश अभी फिर अभी ख़त्म हो गया, कम से कम 10-20 दिन में अपने कमीशन बदले हो गए और काम भी चालू हो गए, तो उसके बीच में कोई ऐसा पीरियड था नहीं ना कि काम चालू करें उसमें कब उनका 1900 के बीच में हमको बहुत एक शंका थी, हम लोग उसको आगे पीछे भी करने वाले थे, लेकिन उस समाज से मालूम पड़ा हमें उनके जो बड़े बुजुर्ग है धर्मगुरु है कि हमारा 20 को है 19 को नहीं, तो हमने 19 को सिटी में लिया, तो सच समझ से सब काम हुआ है। अगर उनको था तो हम 20 को करते, 20 को इसलिए हम लोग 19 को गए। उस दिन 2-3 जगह पे हमने पत्रकार परिषद का आयोजन किया जिसमें से अयप्पा मंदिर जो है वहाँ पे बैठने का आयोजन किया, और ज़्यादा करके हम लोग वहाँ पे राजू गांधी के आपसे कॉन्टेक्ट में रह गए, ऐसी जैसे एक दौड़ती प्रेस नोट, क्योंकि टाइम का बंधन है, एक बार अगर वहाँ बैठते तो आधे से 1.25 घंटा जा सकता है, तो उसने क्या कि हम लोग ने जैसा भी यहाँ ले रहे ऐसे वहाँ पे उनके रथ में चढ़ के ऊपर आपको मौका मिला जाएगा, या तो समझो ओराल दी के सभा पर नीचे उतरते जब भी खड़े खड़े उनसे आप ले सकते, ताकि टाइम का
कुछ बंधन से आधा घंटा हमें बचाना है, तो उस टाइम आप भी लोग भी समझ लेना। सही है, जीशान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।